ओके गाइस, तो इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमें एयर की जरूरत क्यों होती है, राइट? और हमने नोटिस किया कि हमारे जिंदा रहने से लेके हमारे बहुत सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हवा जो है बहुत ही जरूरी है, राइट? और अगर एयर ना हो तो हम अर्थ पे जो है किसी भी तरीके की लाइफ को इमेजिन कर ही नहीं सकते, ना हम होंगे, ना कह सकते हो कि हमारे आसपास के जो फेवरेट एनिमल्स हैं, लाइक यू नो काउ एंड बफेलोज, बकरियाँ जो हैं, छोटी छोटी जो ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्लांट्स हैं, राइट? जैसे अभी आम का पेड़ कितना अच्छा लगता होगा सारे फ्रूट्स के साथ, राइट? लेकिन कुछ भी नहीं रहेगा, विदाउट एयर नथिंग विल बी देयर, राइट? इसके अलावा बिजली बनाने में भी एयर का यूज होता है, राइट? तो ये सब कुछ जो ठीक है, सब सब जो है एयर, एयर जो है, इसलिए हम ये जान करते हैं कि विदाउट एयर देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। लेकिन एक और बात है कि ये जो हम बोल रहे हैं ना कि हमारे जिंदा रहने के लिए एयर जरूरी है, तो सिर्फ एयर नहीं जरूरी है, हमें एक्चुअली प्रॉपरली हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें फ्रेश और क्लीन एयर की जरूरत है, ठीक है? साफ और ताजी हवा की जरूरत है। वी नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू लिव अ हेल्दी लाइफ। हमें जो है ताजी और साफ हवा की जरूरत होती है हेल्दी जीवन जीने के लिए, ठीक है? स्वस्थ जीवन जीने के लिए। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा जो है वो गैसेस का मिक्सचर है। नाउ हार्मफुल गैसेस दैट आर रिलीज्ड इन द एयर कॉज एयर पॉल्यूशन। जो हार्मफुल गैसेज हैं, आई मीन बहुत सारे हार्मफुल गैसेज जो है वो हमारे हवा में रिलीज होते रहते हैं, हवा हमारी हवा में जो है जाते रहते हैं, और जो कि एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने अपने अपने एरियाज में जो है ईंट का भट्टा देखा होगा, तो उसकी चिमनी से भी धुआं निकलता रहता है, राइट? गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो जो मान लो कि ठीक है प्रॉपरली मेंटेन जो गाड़ियाँ हैं उनमें तो कम धुआं निकलता है। लोग बहुत सारे जो लोग जो होते हैं वो पुराने और साथ ही साथ जो है खराब बाइक को भी या गाड़ी को भी चलाते रहते हैं, जो ढेर सारा धुआं उगलती है, राइट? तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज वगैरह जो है उनसे धुआं निकलता है। तो ये सब जो गैसेज, ये सब जो खतरनाक या नुकसान वाले, हार्मफुल मतलब जो नुकसान करे, तो नुकसान करने वाले जो गैसेज जो हमारे हवा में मिलती रहती है, वही जो है एयर पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो चलो अब इन कॉजेज को हम क्लोजली देखते हैं। सम ऑफ द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर, एयर पॉल्यूशन के कुछ कॉजेज हैं, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, साथ ही साथ स्मोक फ्रॉम कार्स, बसेज, स्कूटर्स, ट्रक्स एंड अदर व्हीकल्स। मतलब कार हो, बस हो, स्कूटर हो, बाइक हो, राइट, मोटर बाइक हो, ट्रक हो, या बाकी जो वाहन सब हैं, उन सभी से निकलने वाला धुआं, इवन हवाई जहाज ढेर सारा पॉल्यूशन करता है। बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड प्लास्टिक। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, तो कचरे वगैरह को जो है रिसाइकल नहीं करते हैं, राइट? उसके बदले हम उनमें आग लगा देते हैं। तो जब आप कचरे में आग लगाते हैं या प्लास्टिक वाले कचरे में आग लगाते हैं, तो उनके जलने से भी जो है कह सकते हो कि नुकसान करने वाला धुआं निकलता है, जो कि हमारे एयर को पॉल्यूट करता है। इसके अलावा बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, पटाखे वगैरह छोड़ने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, बूम 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 उड़ता रहता है। प्रॉब्लम एक ही है, उससे जो धुआं निकलता है वो भी काफी नुकसानदेह होता है, और वो भी हमारे एयर को पॉल्यूटेड करता है। ओके, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखो, लोग कहते हैं यहाँ पर वेयर इज क्लीन एयर, वेयर इज एयर क्लीन, सिटी और फॉरेस्ट। डेफिनेटली फॉरेस्ट में एयर ज्यादा साफ होगी, पता है क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में पेड़ ही पेड़ है, और मोस्ट इंपोर्टेंटली वहां कोई ना तो गाड़ी लेके जा रहा है और ना कोई वहां पर जो है ईंट का भट्टा चला रहा है, राइट? एनीवेज, अब पॉल्यूटेड एयर जो है ये बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। पॉल्यूटेड एयर कॉजेज सेवरल डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। पॉल्यूटेड एयर जो है वो बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है इंसानों में और जानवरों में। इट ऑल्सो स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो है प्लांट्स के ग्रोथ को भी धीमा कर देता है, स्लो कर देता है। एक चीज जानते हो कि एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI। और ऐसा कहा जाता है कि इफ AQI इज हायर देन 100, देन वी शुड नॉट स्पेंड मच टाइम आउटसाइड। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 100 से ऊपर है, तो मतलब कि बाहर की हवा की क्वालिटी बहुत खराब है, और हम जो है बाहर ज्यादा टाइम ना हमें नहीं बिताना चाहिए। और आपको जान के बहुत खुशी मिलेगी कि हमारे ज्यादातर शहरों का जो AQI है, AQI होता है, वो 100 से तो पूरा ऊपर ही रहता है। सोच सकते हो कितनी परेशानी है। एनीवेज, तो ये हो गया कि एयर पॉल्यूशन कैसे होता है। अब हम बात करते हैं क्या कि एयर को क्लीन कैसे रखा जाए, ठीक है? कीपिंग द एयर क्लीन, कैसे हवा को साफ रखा जाए। तो देखो, वी कैन टेक सर्टेन मेजर्स टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन।
हम जो है कुछ कदम उठा सकते हैं, सर्टेन मेजर्स मतलब कुछ कदम उठा सकते हैं एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए या कम करने के लिए। क्या क्या? तो देखो, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। हमें ज़्यादा प्लांट्स या ट्रीज लगाने चाहिए क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। इसके अलावा वॉक और साइकिल टू शॉर्ट डिस्टेंसेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हीकल्स, कम दूर जाने के लिए जो है साइकिल का यूज करिए या पैदल चले जाइए किसी गाड़ी का यूज करने के बदले। नॉट बर्न गार्बेज, कचरा मत जलाइए। नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स, पटाखे नहीं जलाइए, ठीक है। तो ये कुछ मेजर्स हैं, ये कुछ स्टेप हैं जो हम ले सकते हैं अपने यहाँ एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। अब जैसे इस पिक्चर को देख लो, तो यहाँ पर क्या है, ये एक फैक्ट्री का चिमनी है और इस चिमनी से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है ढेर सारा, यही दिखा रहा है पिक्चर हमको। तो पिक्चर शोज यू नो लाइक स्मोक रिलीज्ड बाय अ चिमनी, रिलीज थ्रू अ चिमनी। हाउ डज इट हार्म द एनवायरनमेंट? वेल डेफिनेटली इट रिलीजेस हार्मफुल गैसेस इन द एटमोसफियर। डिस्क्राइब एनी थ्री वेज टू कंट्रोल इट, इसको तीन तरीका है इसको कंट्रोल करने का। देखो, एक तरीका तो यह है कि इसको आप जो है बिजली का यूज करके चलाइए। दूसरा तरीका ये है कि एनर्जी के यूज को जो है इसमें ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा सही बनाइए। तीसरा ये है कि इस चिमनी को और ऊंचा कर दीजिए ताकि ये धुआं जो है वो काफी ऊपर जाके रिलीज हो, कम से कम नीचे की जो हवा है जो कि हम लोग सांस लेने में यूज करते हैं उसको बहुत ज्यादा पॉल्यूट ये ना कर पाए। ओके, तो एक बार अभी इस चैप्टर को हम लोग जो है रिव्यू कर लेते हैं, क्या क्या सीखा हमने। तो हमने एक पहला चीज तो ये सीखा कि अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफियर। धरती जो है वो कह सकते हो कि हवा के एक कंबल में लिपटी हुई है जिसे कि हम एटमोसफियर कहते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस एंड गैसियस सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। हवा जो है वो मिक्सचर है, हवा जो है वो बहुत सारी गैसेस और गैसियस सब्सटेंसेस मतलब कि जो गैस के सब्सटेंस में है, गैस वाले स्टेट में जो है उनको मिलके बनता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसेस हो गए, वाटर वेपर जो कि ओरिजिनली तो वाटर है लेकिन या कैसे अभी गैस के फॉर्म में है। वाटर वेपर क्या है? गैस के फॉर्म में है, तो गैसियस सब्सटेंस हो गया ये। तो गैसेज और गैसियस सब्सटेंसेज इनके मिलने से जो है हवा हवा बनती है। वी नीड फ्रेश एंड क्लीन एयर टू लिव अ हेल्दी लाइफ, हमें जो है फ्रेश और ताजी हवा चाहिए हेल्दी जीवन जीने के लिए। पॉल्यूटेड एयर कॉजेज सेवरल डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, पॉल्यूटेड हवा जो है वो बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है इंसानों में और जानवरों में। ओके, तो ये चैप्टर इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जहाँ पर कि हम लोग जो है वाटर के बारे में बात करेंगे। ओके, बाय बाय।